हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई जस्ट होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। आप सभी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं ब्लैक कलर की साड़ी वेयर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आज मैं आप लोगों की यही रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि शिफॉन की ब्लैक कलर की साड़ी हम लोग कैसे वेयर कर सकते हैं। सो गाइज, मुझे जिन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मुझे बोला था कि स्लीवलेस ब्लाउज में मैं ये वीडियो उनके साथ शेयर करूँ, बट मैंने उनको बता ही दिया था कमेंट्स के थ्रू कि मैं स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहनती हूँ। तो यहाँ पर जैसा मैं जिस तरीके के मैं ब्लाउज़ वियर करती हूँ, उसी तरीके के ब्लाउज़ में मैंने आप लोगों को ये साड़ी पहन के दिखाई है। आई जस्ट होप आप लोगों को ये आज की वीडियो मेरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस पे ऑलरेडी गांठ लगा ली है, तो पहले मैं इसको यहाँ पे टक करूँगी। आप लोग ये मत सोचना कि मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है तो और पेटीकोट मैंने रेड कलर का पहना है, क्योंकि इसका जो ब्लाउज है वो रेड में है, सो ब्लैक मैंने नहीं पहना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे अंदर टक करना है। आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ से हम इसे अंदर टक कर देंगे अच्छे से। और अभी मैं प्लेट्स बनाने से पहले अपना जो ये पल्लू है उसे निकाल लूंगी कि मुझे कितना पल्लू चाहिए। तो अभी मैं ऐसे टेम्परेली इसको निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने पल्लू अपना निकाल लिया जितना मुझे पल्लू चाहिए इसका। बाकी अब इतनी साड़ी मेरे पास बची हुई है, इसकी मैं प्लेट्स बनाऊंगी। तो प्लेट्स बनाने के लिए मैं वही सिंपल सा तरीका अपनाऊंगी जो मैं आप लोगों को अपनी सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। ये अपना फ्रंट, ये अपना ये वाला फिंगर लेके और इस फिंगर को लेके, इन दोनों फिंगर की हेल्प से मैं प्लेट्स बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से टाइट कर लूंगी और यहाँ पे इसे थोड़ा सा यहाँ पे टक कर लूंगी। अब मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूंगी, बल्कि जो यहाँ पे जहां पर मैंने टक किया इसके जस्ट ऊपर से मुझे स्टार्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से मुझे स्टार्ट करना है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे टक करने के टाइम पे पिन लगा सकते हैं, बट मैं सेफ्टी पिन नहीं लगाना चाहती हूँ। तो छोटे छोटे प्लेट्स यहाँ पे मैं इसका लूंगी, ज्यादा बड़े नहीं लेना है मुझे। देख सकते हैं गाइस, प्लेट्स मैंने अपनी बना ली हैं। अब मैं इनको थोड़ा सेट करूंगी। तो ये मैंने सेट कर लिया, अभी मैं इनको इधर को मोड़ के यहां से सेट करूंगी नीचे से, क्योंकि हमारी प्लेट्स ऊपर से तो सेट हो जाती हैं बट नीचे तो थोड़ा इसमें दिक्कत आ जाती है। तो देखिए आप लोग, हमारी प्लेट्स बहुत जल्दी बन गई और बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। तो मैंने एक छोटी सी सेफ्टी पिन ले ली है, उसे मैं यहाँ पे टक कर लूंगी। तो मैंने इसको यहाँ पे टक कर लिया है फिलहाल। और अभी आप लोग देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे टक किया था पहले पल्लू, उसको मैं अभी निकाल लूंगी, खोल लूंगी। खोल लिया मैंने। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा नीचे करूंगी। अगर आप लोग ग्लू वेस्ट में साड़ी पहने तो थोड़ा सा आपको ये जो ये वाला पोर्शन है इसका, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। देखिए आप लोग, और अभी जो ये बॉर्डर है ना हमारा साइड का, जो हमारे पल्लू की साइड जाता है, तो इसको हमने यहाँ पे ये देखिए नेवल के नीचे इसको ऐसे करके टक कर देना। कर दिए टक, तो ये हमारा ऑलरेडी टाइट हो जाएगा। अब हमने जो ये प्लेट्स बनाई है इसको हम लेके ऐसे देखिए और अपनी नेवल के नीचे इसको भी टक कर लेंगे। सो देख सकते हैं आप लोग, हमारी प्लेट्स बन के रेडी हो चुकी हैं। और तो गाइज, अब मैं पल्लू अपना बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं पल्लू बिल्कुल सिंपल रखने वाली हूँ, यानी कि अपना पल्लू ये खुला ही रखूंगी मैं आज में, क्योंकि अगर हम ब्लैक साड़ी वेयर करते हैं तो पल्लू खुला ही रखना बहुत अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पल्लू खुला ही रखूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी साड़ी तो पूरी लग चुकी है। बस अब मैं थोड़ा सा जो ये हमारा बॉर्डर है पल्लू का, इसको यहाँ से थोड़ा टाइट पिनअप करके, टाइट खींच के, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये कॉर्नर, जो ब्लाउज का कॉर्नर है, यहाँ पे एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे टक कर लूंगी। आप लोग चाहें गाइस तो ऐसे भी इसे रख सकते हैं पल्लू को, और अगर आप लोगों को अनकंफर्टेबल लगे तो जो ये वाला पल्लू, जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है ना पल्लू का नीचे, इसको यूं पकड़ के और यहाँ पे फिर एक पिनअप आप टक कर सकते हैं, और ऐसे भी रख सकते हैं। बट लेकिन काफी सारे लोगों को ऐसा अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोगों को ऐसे में अनकंफर्टेबल हो रहा है, मतलब ऐसे साड़ी वेयर करने में आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो जो मैं बता रही हूँ आपको, ये नीचे वाला बॉर्डर आपने पकड़ना है और ऐसे ही सीधा लेके इसको यहाँ पे ऊपर जहां पे आपने ये वाला बॉर्डर ना इसके साथ यहाँ पे टक कर लेना, और कुछ इस तरीके से फिर ये हो जाएगा।
सो हमारी साड़ी लग चुकी है गाइज, मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। सो गाइज आई एम रियली सॉरी कि मैंने जस्ट अभी एडिटिंग कर रही हूँ मैं, और अब मैं देख रही हूँ कि मेरी सारी की सारी वीडियो ब्लर आई हुई है, क्योंकि हुआ मेरे साथ ये कि मैं अकेले ही सारा कुछ शूट करती हूँ, और मैंने कैमरा रखा हुआ था अपने स्टैंड पे और मैं थोड़ा दूरी पे खड़ी हो गई थी, बट मुझे नहीं पता कि कैमरे में ये सारा ब्लर आ गया। मुझे लगा कि वीडियो मेरी सही बनी होगी, उसके बाद मैंने देखा भी नहीं, जस्ट अभी अब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब मैंने देखा कि पूरी वीडियो मेरी ब्लर आई हुई है। तो गाइज इसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरा मन तो कर रहा था कि इस वीडियो को मैं अपलोड ना करूँ, बट मैंने कहा इतना भी ब्लर नहीं है कि आप लोगों को ना दिख पाए। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ी सी भी कमी लगे तो मुझे जरूर बताएं, मुझे पता है आपको कमी जरूर दिखेगी इसमें क्योंकि पूरा ब्लर आया हुआ है, बट थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को इसमें समझ आ जाए कि हम किस तरीके से ब्लर करके साड़ी वेयर करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से ये गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। गाइज मैं मतलब मैं अभी इसको जैसे एडिटिंग कर रही थी ना, मेरा बिल्कुल मूड खराब हो गया क्योंकि मैंने उस टाइम देखा ही नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और मुझे लगा कि वीडियो मेरी सही से बन गई होगी, लेकिन जस्ट अभी देखने के बाद बिल्कुल मूड खराब हो गया और मुझे लगा कि इसे डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इतनी मेहनत से मैंने इसे बनाया, मैं इसे डिलीट नहीं कर सकती हूँ, और मुझे लगा कि हाँ इतनी भी बुरी नहीं है, दिख जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग यही वीडियो मेरे से दोबारा चाहोगे तो मैं बना लूंगी, बट अभी के लिए गाइज मैंने ये अपलोड कर दी है, और अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो मुझे बता देना गाइज, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी।